क्यों ना रोए ये नैना दिल क्यों ना रोए जो वफा से वफा नहीं दिल ये खुद से खफा है खुद ही ये रोए बस किसी से खफा नहीं ख्वाब मेरे साथ मेरे क्यों भला ये करना दरवाजा बंद करके ले और अंदर जा। क्या हुआ भाभी, आपने बुलाया था? अरे आओ ना बैठो। मैंने उस दिन देखा तुम्हारे हस्बैंड तुम पे हाथ उठा रहे थे, ऐसा क्यों? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उस दिन जरा गुस्से में थे, वरना वो मुझसे बहुत प्यार करते। गुस्से में थे तो क्या हाथ उठाएंगे? मैं तो किसी का सुन के भी नहीं रहती, अगर स्टार्टिंग में इनका सुनने लग जाए ना तो ये सर पे बैठ के नाचने लग जाते। तो मैं तुम्हें भी यही राय देती हूँ कि इनका सुनो मत, हम औरत है तो क्या इनका ही हमेशा सुनेंगे? तुम्हें क्या हुआ है, पूरा दिन मुंह बना के घर में घूमते रहते हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? देखो मुझे तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, जो भी बात है सीधा सीधा बोलो। तुम्हें ना बहुत अच्छे से पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर काम के से तुम मुंह बना के घूमोगे ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। आधे घर के काम तुम करोगे और आधे मैं, ना मैं तुम्हारे गुलाम हूँ ना तुम मेरे गुलाम, इसमें कोई गलत बात नहीं है आर्यन। क्या बाकी औरतें तुम्हारी तरह होती है जो अपने घर में अपने पति से काम करवाती हैं? बाकी औरतों का तो मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसे ही हूँ। देखो आज तो ये गलती कर दी है, आज के बाद कोशिश भी मत करना। कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं? मुझसे मतलब क्या मतलब, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये जानने का हक तो मेरा है ही। तुम्हें आज याद आया कि तुम मेरी पत्नी हो? तुमने तो पर कभी पत्नी धर्म निभाया ही नहीं, बस बहुत हो गया। वो क्या है ना कि मैं तुम्हें घर छोड़कर जाने के लिए बोल नहीं सकता, इसलिए मैं खुद घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानते नहीं हो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? तुमसे मतलब? भाभी मुझे कुछ आपसे बात करनी थी, आपने जो उस दिन कहा था ना मुझे वो बिल्कुल गलत था, हम औरतों को अपने आदमियों की इज्जत करनी चाहिए ना कि उनकी बदनामी। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? अरे आप समझा भी किसको रहे हो जिसे कोई कदर ही नहीं है। और ये जो करने का तुम सोच रहे हो ना ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें हमेशा रहना तो मेरे साथ ही है।
मैं ना अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने घमंड के साथ कैसे जी पाओगी। और मैं दोबारा यहाँ लौट के कभी नहीं आऊंगा। रहना तुम अकेले। वैवाहिक जीवन में अच्छा चरित्र, ईमानदारी और विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी में से कोई एक भी गलत काम करता है तो रिश्ता टूट जाता है।